बताने की कोशिश करूंगी मैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और एथलीट्स के साथ उनको कैसे ट्रेन किया अबाउट देयर इमोशंस और कैसे उनको अवेयर कराया अपने अबाउट इमोशंस. तो बीच बीच में स्टोरीज भी चलती रहेंगी. तो आज इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि भावना भावनाएं पढ़ाएंगी तो एटलीस्ट आप लोगों की भावनाएं भी जुड़ेंगी उससे, राइट. सो आज के सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लेट्स स्टार्ट विद बिकॉज इंटरेक्टिव सेशन है, बहुत बोरिंग हो जाता है अगर मैं पढ़ाती रहूँ. सो मैं सिर्फ ये चीजें एक्सपीरियंस आप लोगों से एक एक लाइन में चाहूंगी. एटलीस्ट 5-7 लोग तो बोले ही उस बारे में कि यू नो व्हाट दे फील अबाउट देयर इमोशंस. मतलब वो अपनी भावनाएं, मतलब इमोशंस जो है, आपको प्राइमरी इमोशंस भी पढ़ाए, सब कुछ पढ़ाए, और वो ऑन फील्ड आपने कैसे एक्सपीरियंस करे फील्ड में, लाइक जब आप खेलते, बिकॉज आप लोग सब लोग यू नो कोचेस है, यू नो. सो आप लोगों ने उसको कैसे एक्सपीरियंस किया और कैसे वो आपको हैम्पर करा परफॉर्मेंस में, या फायदा दिया, या आपको उसकी अच्छी अवेयरनेस नहीं थी, यू कुड नॉट. तो एटलीस्ट 1-2-3 लाइंस में कहानी जैसी जो एटलीस्ट मुझे पढ़ाने में आपके लिए आसान हो जाए. मैं तो आपको पढ़ाऊंगी बताऊंगी, स्टोरीज बताऊंगी, बट एटलीस्ट फ्रॉम यू. और आपने कभी किसी को कोच किया है, देन यू फेल दिस. सो एटलीस्ट मैं अपने उसमें आपको पॉइंट्स डाल सकूं और पॉइंट्स आपसे भी सीख पाऊं कि यू नो हाउ इट अफेक्टेड यू और हाउ इट यू ट्रेंड, या आप क्या समझते क्या है इमोशन से. सो एनी 2-3 लाइन्स स्टोरी अबाउट इमोशंस, कोई भी एक करके, कोई भी अपना अपने को अनम्यूट कर दे एंड देन बोले, बट बोले जरूर आज के सेशन में. मैम इमोशंस हमारी है ना पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है. मैम नेगेटिव ये होता है कि जैसे हम अपने प्लेयर्स को कोचिंग देते हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम मतलब उनको उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं मैम. ओके ओके फाइन फाइन. और इट्स राजकुमारी, राइट. ठीक है राजकुमारी ने अपना एक वर्ड दिया, बिकॉज यू नो दिस इज वॉट यू आर ऑल्सो लर्निंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स भी कर रहे हैं. अगर आप इनिशिएट नहीं लेंगे बोलने के लिए ना, तो कभी भी आप भावनाओं को समझ नहीं पाएंगे, यू नो इमोशंस को समझ नहीं पाएंगे, ना ही आप अपने बच्चों को कभी एक्सप्रेस कर पाएंगे, ना ही अवेयर करवाएंगे. बिकॉज इनिशियली जब मैं इमोशंस अपने छोटे एथलीट्स, लाइक मैं आई एम अटैच टू वन ऑफ द जिमनास्टिक्स और स्विमिंग्स का अकेडमी, तो हम इनिशियली जब मैं 12, 13, 8 या 9 साल के यू नो छोटे बच्चों को जब मैं ट्रीट करती हूँ और उनको अवेयर कराती हूँ अबाउट देयर इमोशंस, तो उनको तरह तरह का मैं कैसे एक्सपीरियंस कराती हूँ उनको और कैसे उनको अवेयर कराती हूँ अबाउट देयर इमोशंस, तो वो मैं तभी बता पाऊंगी जब मुझे पता चलेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको क्या बोलती है. जैसे राजकुमारी हैज गिवन देयर उसको अपना एक पर्सपेक्टिव दिया, यू नो कि नेगेटिव होता है और मैं गुस्सा करती हूँ एथलीट पे, तो यू नो वो एक नेगेटिव मेरा इमोशन आता है. सो उस तरह से कैसे आपने फील किया, उसने सिर्फ एक सिचुएशन दी. सो आप मुझे सब ये बताएं कि अपना एक्सपीरियंस बताएं अबाउट इमोशन, की आपके अच्छे इमोशन या बुरे इमोशन ने आपके एथलीट को या आपको कैसे अफेक्ट करा, क्या हुआ उस पे, या क्या किया जा सकता था, उसको बेहतर किया जा सकता था. ओके आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस. मंटू राइट, वो बोल रहे हैं कि अंग्रेजी में बोले, तो हिंदी वाले भी हैं और अंग्रेजी वाले भी, तो आई ट्राई की मैं आई स्पीक इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, राइट. मैम हेलो. यस प्लीज अभिषेक. यस मैम, हम लोग जो भी आपस में जुड़े हुए हैं वो एक भावना के थ्रू ही जुड़े हुए हैं. लिखना भी भावना होता है, पढ़ना भी भावना होता है. समाज में जो भी कुछ हम लोग कुछ अच्छा काम करते हैं या कुछ भी परिवार में घर में, तो एक इमोशन कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है. बिना इमोशन के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं. तो इमोशन हर चीज में एक इन्वॉल्व है. जैसे सर ने आपको बताया ना कि सुबह मॉर्निंग में प्राइमरी इमोशंस का मतलब है कि वो 6 प्राइमरी इमोशंस जो है वो हर व्यक्ति
अपने लाइफ में जो है वो यूज करता है और हर दिन हम कुछ कर रहे हैं। जैसे अभी खुशी का माहौल है तो इन हैप्पी इमोशन इज बीन एक्सप्रेस्ड, यू नो, इन मेनी टाइम्स अगर इफ आधे घंटे बाद इसमें से ही कोई अब्यूज कर ले या कोई ऐसी सिचुएशन आए तो मे बी यू नो द एंगर विल कम एंड देन मेरा 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 एक अलग रूप भी देखने को मिल सकता है, यू नो, अलग इमोशन भी अलग व्यक्त कर सकती हूँ मैं। सो इस तरह से एज वॉट अभिषेक सेड एंड वॉट राजकुमारी वॉन्ट टू से इज कि हाँ, इमोशन एक्सप्रेस करते हैं और साथ में साथ वो चेंज भी होते रहते हैं। बट जब ये इमोशंस दो एक चीजों से, जैसे कि सैड भी हो गए प्लस डिस्कर्ट भी हो गए, मतलब आप बिल्कुल आपको नकारात्मक हो गया, तो देन ऐसी चीजें जो है एक बड़े इमोशन और एक अलग रिएक्शन और एक अलग डिसऑर्डर पे आपको लेकर चला जाता है, दैट इज लाइक एंजाइटी। तो हम अगर जो स्वस्थ रहती है तो आप ये नहीं बोल सकते कि इमोशंस होने नहीं चाहिए, अगर इमोशंस नहीं होने चाहिए तो हम इस धरती पे रहने लायक ही नहीं है। इमोशंस शुड बी देयर बट वी कांट अवॉइड इट, हम इसको अवॉइड ही नहीं कर सकते। अगर सब बोले ना कि इमोशंस को अवॉइड करते हैं, नो, वी कांट अवॉइड इमोशंस, वी कैन ट्रेन आर इमोशंस। हम इमोशन को ट्रेन, मतलब रादर हम उनको ऐसे इस जैसे ऑन फील्ड मेरा इमोशन जो है एंगर का आ गया है, मैं बहुत गुस्से में आ गई हूँ, बहुत ज्यादा उसकी वजह से मैं एक रिएक्शन देने लग गई कि मैं जज को अब्यूज करने लग गई, चीजों को तोड़ने लग गई, तोड़ फोड़ करने लग गई, तो वेदर दिस इमोशन इज ओके, नो, दिस इमोशन इज नॉट ओके राइट नाउ, बिकॉज उसकी वजह से जो मैंने अपने इमोशन को गलत तरह से प्रतिक्रिया पे ले गई, मैं उसको तोड़ फोड़ पे ले गई, तो आई नीड टू ट्रेन माई एंगर देयर, मतलब मेरे को शुरू पे ही आई हैव टू वर्क ऑन इट। सो जैसे मैंने आपको बोला कि यू नो आज के सेशन में कुछ कुछ स्टोरीज भी मैं कोशिश करूंगी जो मुझे याद आएगी, आई विल शेयर। So I was working with this elite athlete, जिनका मेरे newspaper में भी बहुत article आया था about the anger management. Before this particular athlete was an angry woman. उनको angry women ही बोलते थे. So I was her sports psychologist. So I started working with her long time back, Rio Olympics से पहले. When I was working with her, तो obviously psychologist है तो भागेगी, तो भागेंगे मुझसे, तो वो मुझसे भागती थी, and then she started run, जब when she started doing this की मतलब मैं उसके पास जितना close जाने के जाती थी तो वो excuse बना के कहीं से कहीं निकल जाती थी, because you know बहुत मुश्किल होता है जब आप एक elite player के साथ एक elite level पे आप उसके साथ as a psychological counseling उसको देनी होती है, because वो कभी भी, क्योंकि वो कोच के साथ और मे बी physio के साथ वो बहुत टाइम से एसोसिएटेड है। मेरे साथ यू नो एक रियो से एक दो साल पहले वो अटैच हुई, तो यू नो यू अंडरस्टैंड यू नो कि वो मेरे से ज्यादा शेयर नहीं करी। बट व्हाट आई फाइंड कि जब वो पर्टिकुलर एथलीट अपना इवेंट करती थी तो बहुत ज्यादा गुस्से होती थी, एंड देन कोच ऑल्सो गेट वेरी मच ट्रांसपेरेंट अबाउट हर इश्यूज की उस कोच मुझे बताने लग गया, यू नो कि मैडम जब भी ये पर्टिकुलर इवेंट करती है तो ये क्या करती है, मतलब इसने मेरे साथ परसों क्या किया कि दैट ये मेरे पास आई और उसने मुझे दांत इतना मार दिया कि दांत का जो वो बोलते हैं ना साइन और वो आई विजिबल, वो मुझे ऐसे करके दिखा रहे हैं बार बार कि देखो मैम ये तो प्रैक्टिस में इसकी फुलफिलिंग नहीं हुआ या कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो वो देखो मुझे दांत मारने लग गई, यू नो। सो उस चीज के लिए भी वो एक तरह का इमोशन जब उसने व्यक्त करा ना, तो इमोशन बहुत गंदा एंगर वाला था, और एंगर के साथ साथ व्हाट शी हैज स्टार्टेड रिएक्टिंग टू इट वाज वेरी बैड, कि कोच को ही दांत मार दिया और दांत मारने के बाद वहां से भाग गए। उसके बाद दूसरा उसने क्या करना इंसिडेंट कराना करा कि जब भी शी कुड नॉट एबल टू परफॉर्म या कुछ है, वो बहुत बुरी तरह से पर्टिकुलर जो भी जगह होती थी या पर्टिकुलर वो एलिमिनेट करना होता था या जंप करनी होती थी, तो जिस इक्विपमेंट से वो करती थी उसको मारना, हिट करना, मतलब खुद को भी हर्ट करना, कोच को भी हर्ट करना, तो प्रॉब्लम। सो हमें समझ आ गया कि देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ दिस एंगर, एंड देन दिस एंगर शुड बी you know need to be specified. तो हम इमोशन पे काम करने का कि यू नो लेट स्टार्ट ट्रेन। सो हमने उसको अवेयर, मैं आपको एक एक्सरसाइज बता रही हूँ जो आप भी अपने एथलीट्स के साथ कर सकते हो फॉर एंगर मैनेजमेंट। जब हमने उसके एंगर पे काम स्टार्ट करा, यू नो फर्स्टली आई ट्राई टू मेक माई, एंड जिस तरह से आप इमोशन को भी समझ रहे हैं, स्ट्रेस को भी आज समझे हैं कि यू नो देयर इज जो ये स्ट्रेस है वो एक अच्छा स्ट्रेस होता है, पॉजिटिव स्ट्रेस होता है और एक नेगेटिव स्ट्रेस होता है, यू नो, तो आप
को फाइंड आउट करना है या आप फाइंड आउट करते हैं कि दिस इज स्ट्रेस, जिसको आप स्ट्रेस बोलते थे वो डिस्ट्रेस होता है। जब आप हम नेगेटिव वे में बोलते हैं क्या हो रहा है जी, स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। अच्छा, स्ट्रेस हो रहा है कैसे स्ट्रेस हो रहा है, वेदर इस स्ट्रेस से आपकी परफॉर्मेंस अच्छी बेहतर हो रही है या वो डिस्ट्रेस, यू स्ट्रेस है या डिस्ट्रेस है कि जिस वजह से आपकी परफॉर्मेंस एंग्जाइटी आ गई, अराउजल बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हो गया और आपकी परफॉर्मेंस नीचे को जाने लगी। तो ये आप स्ट्रेस से फाइंड आउट करें। तो इसी तरह से हमने एंगर में इनिशिएट लिया कि हमें समझ आ गया कि भाई इसको तो बहुत बुरी तरह का एंगर आ गया और एंगर की इमोशन की वजह से ये अपनी परफॉर्मेंस को जो है बहुत ज्यादा खराब कर सकती है। So then what we have firstly made understand, because कहीं ना कहीं एथलीट को लगता था कि इस एंगर की वजह से उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा आ रहा है, ठीक है। So उसको ये चीज समझ नहीं आ रही थी, एंगर के भी बड़े सारे टाइप है, यू नो होलिस्टिक आप आगे पढ़ेंगे और मैं आई शुड नॉट टेल यू राइट नाउ बिकॉज वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाए। तो आप सिंपल इतना समझ लीजिए कि एंगर की भी ये सोचो कि एक अच्छी प्रवृत्ति है जो आपको आगे लेके जाती है और एक बुरी प्रवृत्ति है जिसपे उसकी परफॉर्मेंस नीचे भी लेकर आ सकती है। तो ऐसी ही प्रवृत्ति में शी वॉज गोइंग, बट शी वॉज थिंकिंग नो 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 आई एम एबल टू परफॉर्म। तो हमने इनिशिएट लिया टू मेक हर अवेयर बाय शोइंग हर वीडियोस और कि उसके साथ साथ उसको एक्टिविटी दे दी करने के लिए कि जब भी तेरे को गुस्सा आएगा तो अपने कमरे में क्या करेगी, यू नो 15 लिख देगी, एक बड़ा सा ब्लैक सर्कल मारेगी, ब्लैक सर्कल में सिर्फ 15 तुझे दिखना चाहिए। सो वो स्पॉट बिल्कुल तेरे ऑन आई ओढ़ना चाहिए और जब भी तेरे को ऐसा लगता है ना यार गुस्सा बहुत बुरी तरह से, क्योंकि वो नॉर्मली भी बहुत ज्यादा गुस्सेबाज हो गई थी, तो जब भी तुझे गुस्सा आता है तो यू विल सी दैट 15। उस 15 का कोड वर्ड था कि उसको उल्टी गिनती लेके जानी है, लाइक 14 13 12 11 10 9 8 5 6 4 3 2 1, उसको रिवर्स काउंटिंग करना है, उसको वापस लेके जाना है। सो इनिशियली मुझे ये क्वेश्चन लास्ट सेशन में भी व्हेन आई वाज डूइंग दिस हाई परफॉर्मेंस का प्रोग्राम समबडी आस्क्ड मी कि यू नो ये दिस आइडिया जो आप बोल रही है मैडम ये बैक ऑफ माय माइंड में होता है, मेरे माइंड में है कि मुझे रिवर्स काउंटिंग करना है, बट व्हेन यू नीड टू अप्लाई इट यू कांट रिप्लाई इट, व्हाई आई एम नॉट एबल टू अप्लाई। सो देखिए मैं एक सिंपल बात जानती हूँ कि यू नो हमें जब भी कोई चीज अप्लाई करनी है, जब भी आप कोई अपने एथलीट को कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं आप उसको हैबिट फॉर्मेशन जरूर कराते हैं। सो साइकोलॉजी में भी तब तक आपकी कोई भी चीज इफेक्टिव नहीं होगी जब तक आप उसको सरल भाषा में उसको अपनी डेली रूटीन में अप्लाई नहीं करेंगे। सो हमने उसको बोल दिया कि तुझे दिन में जो है एटलीस्ट यू नो जब भी तेको गुस्सा आता है या फिर तुको इनिशियली सुबह तेको ट्राई करना है दिस रिवर्स काउंटिंग। सो ट्रेनिंग पे मैं उसको अकंपनी करती थी एंड आई मेक श्योर कि जब भी वो कोई ऐसी एक्टिविटी करे चीजें को मारे कुछ आई विल टेल जस्ट प्लीज स्पीक, तो आप एकदम से जस्ट स्टार्ट कीजिए, बिकॉज द कॉपरेशन ऑफ कोच वॉज देयर, तो वी कुड एबल टू मेक दैट अंडरस्टैंडिंग कि आपके लिए कौन सा कैसे इमोशन को अपने फायदे के लिए करना है और कैसे अपने इस बुरे इमोशन को बाहर निकाल के जाना है। क्यों? क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही है। अफेक्ट कैसे हो रही है? आप सेल्फ हर्ट कर रहे हो, आप चीजों में मार रहे हो, आप सोच रहे हो बैडमिंटन टूट जाएगा, टेनिस टूट जाएगा, या बिस्तर टूट जाएगा, या इक्विपमेंट टूट जाएगा। ना बाबा, वो आपका कुछ इक्विपमेंट को नहीं होगा, यू आर ऑल्सो हर्टिंग योर सेल्फ। सो वो दैट अंडरस्टैंडिंग, वो अवेयरनेस, क्योंकि आप एज अ कोच लेट द डू द जॉब टू द फॉर द साइकोलॉजिस्ट, लेट डू हर जॉब, बट एज अ कोच योर वर्क शुड बी, जो ये क्लासेस से आप लेके जाए दैट शुड बी द मोर ऑफ अवेयरनेस, यू नो कि आपको इमोशंस खुद पता होगा, देन यू कैन मेक योर एथलीट अवेयर ऑफ, यू नो कि अगर मेरे इमोशंस, मेरा नेगेटिव इमोशन है या इमोशन, उससे क्या मेरे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, कैसे मैं उसको कैसे उस पर्टिकुलर, लाइक यू नो आपने काफी सारी थ्योरीज भी पढ़ी इसमें में कि इमोशन को व्यक्त करने से पहले क्या क्या अलग अलग वे में हम उसको इफेक्ट करते, कई में फिजियोलॉजिकल चेंजेस, किसी ने बोला कि पहले फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, मतलब हमें स्वेटिंग, घबराहट, स्वेटिंग, पसीना इस तरह का आता है, देन वी फील यू नो आर इमोशन, बट एट द एंड द फाइनल आउटपुट कम्स कि पहले जो है नो डाउट फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, बट उसके साथ दैट थिंग गोज टू योर ब्रेन एंड देन ब्रेन्स गिव यू एन आइडिया टू एक्सप्रेस योर इमोशन। तो ये चीजें जब आप खुद अवेयर होंगे तभी आप अपने एथलीट को या फिर यू नो खुद को, तो खुद को पहले अप्लाई करना स्टार्ट करो एवरी डे। जस्ट फाइंड योर सेल्फ की जब आप कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में होते हैं तो हाउ यू एक्सप्रेस योर इमोशन। सो इट्स नॉट अबाउट कंट्रोलिंग, avoiding, but it's about more training yourself. Hello, ma'am. You understand?
मैम यस प्लीज मे नो अभिषेक अभिषेक यस प्लीज अभिषेक यस मैम जैसे सरल सरल भाषा में जो होता है कि जो हमारे माइंड में जो विचार आते हैं वही भावना है जो विचार माइंड में वही भावना है। तो इसमें मैम कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं वो खुली किताब की तरह होते हैं, वो उनको सब कुछ समझ जाता है, वो उनकी जो भी बात है वो सबसे शेयर करते हैं बताते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं जब खुशी आएगा तो वो सबसे सेलिब्रेट करेंगे लेकिन अपना गम छुपा लेते हैं। तो टू टाइप्स हो जाएगा इसमें, एक तो खुली किताब है उनको सब कुछ सोच सकता है समझ सकता है जान सकता है वो हर चीज अपना शेयर कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग है कि अपनी आधी बात को छुपा लेते हैं आधी बात को ही शेयर करते हैं, तो वो चीज में फिर कैसे उनको उस चीज को दूर किया जा सकता है कमी को। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे इस टाइप में। हाँ अभिषेक सुनो सुनो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इट्स समथिंग एल्स यू नो। आप बहुत आगे चले गए, मतलब आप बहुत आगे का स्टेप कवर। यहाँ पे सिंपल एक कॉन्सेप्ट समझना है कि इफ यू टॉक अबाउट इमोशन, इमोशन जो है वो फीलिंग्स हैं और भावनाएं हैं, दैट करेक्ट। बट कौन कौन सी है, लाइक हैप्पीनेस जॉय सैड। आप एक लेवल आगे चले गए कि जब जो खुशी व्यक्ति होता है जो हसमुख आदमी होता है वो शेयर कर लेता है, और कोई जो दुखी होता है वो दिस हैपेंस। बट अगर आप यही दुखी व्यक्ति भी शेयर करेगा अपना खुशी वाला पार्ट शेयर कर देता है लेकिन दुख वाला पार्ट शेयर नहीं करता है, उसमें भी दो ह्यूमन टू ह्यूमन, और ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है की खुद झेल लेंगे लेकिन दूसरे को झेलना नहीं चाहते कि वो भी खुद झेल ले। जैसे हम लोग बने जो चीज हम झेल के आगे बढ़े हैं, हम नहीं चाहेंगे कि जो मेरे आने वाले जनरेशन है जो भी प्लेयर उनको वो चीज झेलना पड़े, तो हम उनको ऊपर गाइड करेंगे। लेकिन वो चीज बहुत लोग होता है मतलब शो कर देता है लेकिन अपना जो भी अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व मतलब वो शेयर नहीं करता है। But so far, you know, Abhishek, what I've learned in my life and what I've learned so far, this coaching experience, जैसे आपको coaching में experience है, I have a 15 years of experience working with athletes, abnormal people, और तरह तरह के drug addicts, हर व्यक्ति हर तरह का, there's this message, okay. So, तरह तरह का एक्सपीरियंस जो है ना, तरह तरह का एक्सपीरियंस आदमी फील करता है। व्हाट आई फेल्ट इज कि अगर हम इमोशंस, बिकॉज ये इमोशन का प्लेटफॉर्म है, हमें इमोशंस के बारे में ही बात करना है यहाँ पे। बट मैं ये मानती हूँ कि जब भी कोच एथलीट का जो रिलेशनशिप हो ना वो एक ऑनेस्टी पे हो। जैसे आपने मुझे बोला कि जो मैम हमने सैक्रिफाइस किया या मैंने सैक्रिफाइस किया अपनी लाइफ में, आई वुड वांट मेरे जो एथलीट आए या मैं जिनके साथ काम करूं उनको वो प्रॉब्लम ना आए, ये सोच बहुत अच्छी है। एंड अगर आप ऐसा मानते हैं तो डेफिनेटली आप किसी टाइम पे यू विल रीच टू हाइट। मे बी एज एन एथलीट यू कुड नॉट एबल टू फाइंड दैट फॉर योरसेल्फ, बट मे बी एज अ एज अ कोच आपको वो चीज मिल जाए। सो मेरा ये बोलना है कि जो भी चीजें आप यहाँ से लर्न करते हैं, अदर देन बिकॉज इट्स मोर ऑफ एन इमोशन क्लास, सो कि आप जो भी यहाँ से लर्न करते हैं, जो भी पॉजिटिव चीज आप यहाँ से लेके जाते हो, यू हैव टू मेक श्योर कि वो एडवांसमेंट आप एथलीट को फुलेस्ट देके जाए। सो प्रैक्टिकल यहाँ से जो चीजें, मे बी यू विल बी द टॉपर ऑफ NIS और यू विल बी द आप साइकोलॉजी में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो टॉप करेंगे, जो बहुत से ऐसे होंगे जो फिजियोलॉजी में टॉप करेंगे। सो द मेन थिंग, द मेन आइडिया एंड द बोलते हैं ना द मेन पार्ट ऑफ दिस होल प्रोग्राम इज कि आप यहाँ से लेके क्या जा रहे हो जो प्रैक्टिकली आप फील्ड में करोगे। तो इन इंटरैक्टिव क्लासेस का यही मतलब है कि इमोशन तो आपने सुबह पढ़ लिया, डेफिनेशन भी आप लिख लोगे, स्ट्रेस की डेफिनेशन भी आप लिख लोगे पेपर में, बट व्हाट विल बी द मेन आइडिया व्हिच यू आर गोइंग टू यूज इट इन योर फील्ड, दिस इज द मेन एजेंडा। फिर जैसे हम लोग यहाँ जो भी थ्योरी पढ़ा रही है पढ़ के हम लोग जा रहे हैं लेकिन ग्राउंड में तो सिचुएशन बेस्ड होगा, जैसा सिचुएशन होता है उसके अनुसार रिएक्ट करना होता है। Right, Abhishek. I understand and I think जिस notion में आप जा रहे हो you will do good because बहुत कुछ सोच रहे हो आप। But मैं ये चाहूंगी कि whatever you've been planning for your athlete उसके concepts जो यहाँ से है ना वो clear करके जाओ, because हम practically यहाँ पे एक एक चीज जो है ना प्रैक्टिकली करेंगे, देन वी विल एबल टू अंडरस्टैंड दी साइकोलॉजी। अदरवाइज वो कॉपरेशन आगे भी आप साइकोलॉजिस्ट को नहीं दे पाएंगे इन एनएनसीओ,
दिस इज वॉट आई बिलीव. आई रिक्वेस्ट अदर पीपल टू स्पीक अबाउट इट बिकॉज अभिषेक स्पोक अलॉट अबाउट इट. और आप क्या सोचते हैं और क्या मुझसे सुनना चाहते हैं अबाउट इमोशंस, सो प्लीज कम आउट विद योर क्वेश्चंस. क्योंकि मैं अभी मैं स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की डिमांड बढ़ गई है, जो भी खिलाड़ी है प्लेयर है वो मतलब उनके साथ बहुत प्रकार की प्रॉब्लम होती है, उसकी परफॉर्मेंस भी इफेक्ट पड़ता है, बट वो क्या करते हैं वो शेयर नहीं कर पाते हैं, तो कोच से नहीं शेयर कर पाएंगे, तो फिर उस चीज में हम लोग स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लेना पड़ता है, तो वो फिर वो उनके पास बहुत सारा. अभिषेक दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग दैट यू बिलीव दैट द साइकोलॉजिस्ट गोइंग टू हेल्प यू, बट मेनी टाइम्स हम लोग एज एन इंडिविजुअल आई फेसेस कि मुझे आई वॉज वेरी लकी कि मेरे को जो भी द्रोणाचारी या फिर कोई भी चाहे वो अर्जुना एथलीट जो भी जिनके साथ भी मैंने आपका आई ऑलवेज वॉन्ट टू थैंक कि उन्होंने मुझे हमेशा स्पेस दिया अपनी टीम में. बिकॉज कैंप्स में जब भी आपको काम करना होता है तो आप यू आर ऑलरेडी वर्किंग विद द टीम जो ऑलरेडी टीम बनी होती है, और आप एक दिन ऑटोमेटिकली लैंड अप होते हो उनके साथ टीम में तो स्पेस नहीं देते. तो साइकोलॉजिस्ट का डेफिनेटली अभी तो एसोसिएशन फ्रॉम एनसीओएस वी इज स्टार्टेड यू नो, बट उसका सबसे ज्यादा ट्रेनिंग आपको यहाँ से लेनी है कि इफ यू ऑल्सो नो द कॉन्सेप्ट. अगर कल को आप किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिक इमोशंस क्या होते हैं, आप उसको भी तो बताएंगे, नहीं तो साइकोलॉजिस्ट आएगा आपको कुछ बोलेगा और देन वो निकल. सो यहाँ से आप बेसिक नॉलेज अगर कैरी करते हो तो अबाउट इमोशंस अबाउट अटेंशन अबाउट अबाउट साइकोलॉजी, तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग. गुड इवनिंग मैम, तेजिंदर साइड फ्रॉम समिंग दिस. So I think my PPT is visible. Yes, ma'am. This is visible. Ma'am, please revise it. This is more beneficial, ma'am. Okay, sure. I'll do that. We have very less time, ma'am. Next month only, July 17th, we need to finish the syllabus this year. So we have Sure. I think because I don't find today's lesson to be too much tough than I thought, you know. Let's be more of interactive. But you want me to start with this, I can quickly start. It's better to revise it because it is going to be helpful. So let's start with emotions. Emotions ko jaise I've already explained, it's more of bhavnai. Bhavnao ko yahan pe you can say ki, you know, every sport jo hai usko ek emotional experience hota hai. Jab aap khushi aur joy mehsoos karte hai, wo jab aapko koi victory milti hai, to aap उस टाइम पे जो इमोशन महसूस करते हैं दैट इज जॉय एंड हैप्पीनेस. जब वो डिफीट किसी तरह का यू नो हार आप महसूस करते हैं, देन आप एक इमोशंस जो महसूस करते हैं यू नो डिसअपॉइंटमेंट डिसअपीयर, इस तरह की फीलिंग्स को आप एक्सपीरियंस करते हैं, राइट? सो ओके, यस मैम, वी कैन हियर यू. ओके ओके, लेट मी पुट इट इन अ स्लाइड मोड. Okay, so if we talk about the definition, so definition को आप simple emotions को मैं समझाने की यहाँ पे ये कोशिश करूँगी कि emotions जो है you know आप किसी भी मतलब जब आप एक reaction to एक stimuli पे करते हैं तो उसकी वजह से आप एक जो stimuli event है वो एक actual that means कि वास्तविक और काल्पनिक रूप में होता है, right? And then उसकी वजह से जो फिजियोलॉजिकल मतलब कि स्वेटिंग आना, दिल का दौड़ दौड़ धड़कना बहुत ज्यादा, हार्ट बीट ज्यादा हो जाना, तो इस तरह के जो एक्सपीरियंसेस और उनकी वजह से जो आप बिहेवियर एक्सप्रेस करते हैं दैट इज इमोशंस. इमोशंस के जो प्राइमरली समझने के लिए आप ये अपने दिमाग में फाइंड आउट करो कि एवरी इंडिविजुअल विद वेदर डिफरेंट ऑफ कलर शेप और साइज मे बी डिफरेंट होगा, बट जब इमोशंस कोई फेशियल एक्सप्रेशन पे आप उसको देखते हैं दैट इज ऑलवेज सिमिलर, तो वो हमेशा आपको एक ही, अगर आपको दुख का एक नेगेटिव का आप देखोगे तो उसका दुख का एक जैसा ही होगा सबका. आप हंसते हुए देखोगे सबको फेशियल एक्सप्रेशन, तो दैट विल बी ऑलवेज दी सेम.
सो अगर आप इंटरडिपेंडेंस ऑफ कॉग्निशन एंड इमोशन अगर देखें तो हिस्टोरिकली पहले ये बोला जाता था, कंसिडर किया जाता था कि देन ये दो बोथ आर डिफरेंट, अलग अलग है. सो फिर थ्योरीज आई इमोशंस के लिए दैट यू नो कॉग्निशन जो है वो सेंट्रल पार्ट पे है और कॉग्निशन और इमोशन इमोशन गो साइड बाय साइड. सो इन थ्योरीज और इन अफेक्शंस पे जब भी हम बात करते हैं तो आपको अभी भी कॉन्ट्रेडिक्टरी और कॉन्ट्रेडिक्टरी ही चीजें आएंगी. मतलब देर इज इफ यू टॉक अबाउट द फाइनल स्क्रेचेस, तो स्क्रेचेस में जो थ्योरीज यहाँ पे हमने की थी अबाउट द इमोशंस रिस्पॉन्सेस के बारे में, तो इसमें जो स्केचर और स्किनर की जो सिंगर की जो 1962 में जो थ्योरी आई थी कि यू नो पहले हमारा जो है फिजिकल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है एंड देन इट गोज टू द ब्रेन एंड देन वी एक्सप्रेस द इमोशन. तो इन द होल दिस इज व्हाट विच इज वेरी वैल्यूएबल एंड वी कंसिडर द मोस्ट. अगर जेम्स और कैनन की बात करें, जैसे कि जेम्स बोलते हैं, कैनन बोलते हैं कि साथ साथ चलता है, और कैनन ने बोला कि यू नो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं एंड देन द इमोशंस. सो इन सब में अगर इन द होल अगर आपको कुछ चीज लेके जानी है तो वो विच इज मोर यूजफुल एंड विच वी प्रैक्टिकली यूज इज द स्केचर एंड स्किनर की जो सिंगर की जो 1962 में हमने थ्योरी दी थी. देन कम्स इज द प्राइमरी इमोशंस, जो मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यू नो दीज पीपल बिलोंग्स टू यू नो डिफरेंट एज, जेंडर, कलर, डिफरेंट एरिया से. बट यू नो अगर हम देखें तो इमोशंस की जो एक्सप्रेस करने का जो वे इन फेस है वो हैप्पीनेस का एक जैसा होता है, दुख का एक जैसा होता है, सरप्राइज का एक जैसा होता है, फियर का एक जैसा होता है, यू नो. सो ये इमोशन वर्ड को डिफरेंट लोगों पे टाल के एक ही फेशियल जब आप फेस पे उसको असेस करने को देखेंगे तो वो एक ही जैसा होगा. अब यहाँ पे बेनिफिशियरी ये चीज है कि हमें ये क्यों जरूरी है जानना और ये काहे के लिए इम्पोर्टेंट है मैम. सो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब हम एथलीट को एज अ कोच आप उसको टीच करते हैं या बताते हैं, तो जब वो गेम ऑन द फील्ड होता है तो दैट पर्टिकुलर पर्सन इज एबल टू मेक श्योर कि आपका जो ओपोनेंट है, एथलीट है, वो किस तरह से, लाइक इफ सपोज कि वो सैड है, हमें उससे कुछ असेस नहीं करना है या हमारे को कुछ, बट दैट गिव्स अ मोटिवेशन टू द एथलीट कि अच्छा ठीक है, ओके चीजें इस तरह से जा रही है, अगर उसको इन चीजों की प्राइमरी इमोशंस की नॉलेज होगी. देन कम्स इमोशनल रिस्पॉन्सेज. इमोशनल रिस्पॉन्सेज को व्यक्त करने के लिए जब मतलब जब आपके इमोशंस, आपके फीलिंग आती है और उसके जो रिस्पॉन्सेज आते हैं वो फिजियोलॉजिकली, कॉग्निटिव और बिहेवियर आते हैं. ठीक है, सो फिजियोलॉजिकल को अगेन मैंने जैसे बोला यू नो कि बॉडी के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो आप देते हैं. देन कॉग्निटिव में आपकी अटेंशन, परसेप्शन और यू नो जो इंफॉर्मेशन आप प्रोसेसिंग प्रायोरिटीज हैं उस पे जाता है. देन कम्स बिहेवियर. बिहेवियर मतलब यहाँ पे सिंपल कि जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था वन ऑफ एन एथलीट का आपको कि उसका एग्रेशन जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया था, इतना ज्यादा बढ़ गया था कि यू नो दैट शी स्टार्टेड मेकिंग हर कोच और टेक्निकल एक्सपर्ट्स यू नो अफेक्टेड. तो ये इस तरह की हमें अंडरस्टैंडिंग की आ इमोशंस को जब हम व्यक्त कर रहे हैं तो वो किस 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 तरह से वो अफेक्ट हो रहा है, और ये जो तीनों रिस्पॉन्सेज हैं वो आपका इन्फ्लुएंस करते हैं आपके गोल और मोटिव्स को और आपके मोटिवेशन को. सो वी नीड टू बी अवेयर एंड कीप अ ट्रैक कि वो कहाँ जा रहे हैं और हम उसको कैसे उसको व्यक्त कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि उसके रिस्पॉन्सेज जो है वो उस पर डिवेल्प करते हैं. Then comes these theories about, जो थ्योरी मैंने अभी आपको बताया कि यू नो अगर जेम्स लैंग का हो या कैनन का हो, ये दे हैव टोल्ड अबाउट इन सिंपल वर्ड्स में कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, देन द इमोशंस कम्स, और कैनन सेज कि इमोशंस एंड फिजियोलॉजिकल एक साथ चलता है. बट हमें मेन यहाँ पे यही याद करना है कि जो स्केचर और स्किनर सॉरी सिंगर है 1962 में जो उन्होंने दिया था कि यू नो फेल फर्स्ट द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स मतलब हार्ट बीट, दिल का धड़कना, ये सब कुछ होता है, देन इट गोज टू द ब्रेन, देन जब वहां से इट इज बीन लेबल्ड, देन द रिजल्ट इन एन इमोशन मतलब हंसी, खुशी, दुख, जो भी इस तरह का इमोशन होता है दैट कम्स.
सो अभी 15 मिनट आधे घंटे से हम इमोशन 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 ही कर रहे हैं, बट इमोशंस के साथ साथ जो सेकंड इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके सिलेबस में है दैट इज स्ट्रेस, और स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस आपसे आप क्या समझते हैं. सो इन सिंपल वर्ड्स स्ट्रेस को मैंने आप एक छोटा सा लीड भी आपको दिया था अभी थोड़ी देर पहले ना, कि जब सिंपल नेगेटिव फीलिंग्स जो होती है ना आती हैं एक थ्रेटनिंग सिचुएशन से, जैसे कि क्या होगा गेम, हाउ आई विल परफॉर्म, एग्जाम आ रहा है, व्हाट विल बी द रिजल्ट, हाउ आई विल परफॉर्म, कैसे होगा कैसे, ये चीजें एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन को या स्ट्रेस को पैदा करती हैं. सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने के लिए, जब हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहां पे यू नो दबाव महसूस करते हैं, यू और आपको ऐसा लगता है कि क्या रिजल्ट होगा, बहुत ज्यादा चिंता इस बारे में करने लग जाते हैं, देन यू कैन से इट्स अ स्ट्रेस. ठीक है, स्ट्रेस को पैदा करने के लिए स्ट्रेसर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि विदाउट अ स्ट्रेसर हमारा जो स्ट्रेस है ना वो हमें पता नहीं चलेगा. You know, क्योंकि स्ट्रेस तो एक बड़ी एलिमेंट, एक बड़ी चीज आ गई, यू नो, बट उसको उत्पन्न करने के लिए, उसको पैदा करने के लिए द वर्ड स्ट्रेसर इज देयर, यू नो, स्ट्रेसर है. तो स्ट्रेसेस कौन कौन से हैं, ये फ्यू ऑफ द स्ट्रेसेस आपको बताए गए हैं. जैसे कि जब आप खेल परिसर में हैं, खेल रहे हैं, तो आप ऑडियंस, दिस कैन बी अ थ्रेट स्ट्रेसर एज हाउ, क्यों, क्योंकि ये आपको आपके सेल्फ एस्टीम को अफेक्ट कर रहा है. देन फियर ऑफ इंजरी, डर लगना इंजरी के बारे में, कि मुझको क्या हार्म हो जाएगा, मैं इफेक्ट हो जाऊंगा, मुझको लग जाएगी या कुछ इस तरह के. परफॉर्मेंस ऑफ द ऑपोजिशन, बहुत ज्यादा डेवलप करना, इस तरह का अननोन फियर बोलते हैं ना, जिसको कि पता नहीं है बट कैसे ये कैसे कर लेगा, मुझसे बेहतर ना खेले, यू नो, थिंग्स लाइक दैट. मिस्टेक्स बींग मेड, यू नो, अभी मिस्टेक्स जो बनाने हैं या वो चीजें, उस तरह के स्ट्रेसेस भी जो है अफेक्ट करते हैं, आपको फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, यू स्टार्ट फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड. देन आपके माता पिता, क्राउड या कोच का जो किसी भी तरह का जो प्रेशर, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेसर. तो ये कुछ एक स्ट्रेसेस के बारे में हमने बात करा जो स्ट्रेस पैदा करते हैं. अब चीज जो बात आई, जो हमने बोला कि somehow a positive stress or a negative stress. तो यहाँ से आपने कुछ बहुत बड़ा कुछ लेके जाना नहीं, शायद आपको सिर्फ ये आज एक बहुत बड़ी क्लैरिटी हुई होगी कि यू नो अच्छा स्ट्रेस इज यू स्ट्रेस, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, पॉजिटिव स्ट्रेस बोलते हैं हम जिसको, कि अगर ये हो नहीं होगा तो आदमी जो है अपनी फुल कैपेबिलिटी और फुल जो उसके पास लिमिटेशंस, अपने पास जो एबिलिटी होती है वो उससे काम नहीं करेगा. तो जब यू स्ट्रेस रहता है तो आदमी की जो फुल कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज होती है वो फुल उससे परफॉर्म करता है. आपको किसी तरह की परफॉर्मेंस आएगी ही नहीं अच्छे फुल फॉर्म में अगर यू स्ट्रेस नहीं हो. बट जब वो ही नेगेटिव फॉर्म ऑफ स्ट्रेस जब आता है तो वो डिस्ट्रेस कहलाता है. और डिस्ट्रेस इसलिए कहलाता है क्योंकि उसमें आपका जो अराउजल लेवल है या फिर आपकी परफॉर्मेंस, क्योंकि आप इतने डर, घबराहट, चिंता और में इतने ज्यादा फंस जाते हैं कि दैट क्रिएट डिस्ट्रेस. तो आपको फाइंड आउट और एक सिचुएशन में अपने को प्लेस करना है कि वेदर दिस इज क्रिएटिंग एन यू स्ट्रेस टू यू और डिस्ट्रेस टू यू. तो आप शायद यूज भी करना बंद करेंगे दिस वर्ड स्ट्रेस, रादर यू विल, अगर आपको नेगेटिव हो रहा है तो यू विल यूज डिस्ट्रेस, और पॉजिटिव हो रहा है तो इट विल गो फॉर अ पॉजिटिव स्ट्रेस. उसी तरह से जब आपको डिस्ट्रेस होता है तो तरह तरह के यू नो साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल. साइकोलॉजिकल का यहाँ पे है कि कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज, मतलब आपके दिमागी तौर पे जो आप रिस्पॉन्सेज बनाते हैं या कि वो किस तरह के रिस्पॉन्स आते हैं जब आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में होते हैं. और जब आप आपकी बॉडी, मतलब आपकी सोमैटिक मीन्स आपके बॉडी आपकी कैसे तरह की रिस्पॉन्सेस करते हैं, तो जैसे लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, फीलिंग्स ऑफ एप्रिहेंशन, इनएबिलिटी टू कोप, अटेंशनल नैरोइंग, फियर ऑफ फेलियर, ये किसी तरह की यू नो नेगेटिव चीजें हैं, नेगेटिव दिमागी प्रॉब्लम्स हैं जो आती हैं. यू नो उसी तरह से प्रॉब्लम्स आपके रिलेटेड टू बॉडी में क्या हो जाता है, आप स्ट्रेस, स्वेटिंग, पसीना बहुत ज्यादा आ जाता है,
आपकी मसल टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, नॉइजिया होता है, नॉइजिया सिंपल यू नो किसी तरह से वॉमिट वॉमिट का फीलिंग जैसे रहना यू नो, और इंक्रीज आपका हार्ट बीट तेज हो जाता है, आप ब्रीदिंग रेट आपका बढ़ जाता है। तो इस तरह की डिस्ट्रेस सिचुएशन या डिस्ट्रेस जब आप बहुत ज्यादा फील करते हैं तो डिस्ट्रेस इज ऑल्सो लीड्स टू बहुत ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स और मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ आपको घसीट के लेके जाता है। तो ये आपकी अलार्मिंग सिचुएशन होती है जहां से अगर आप नहीं समझते कि दिस इज दिस पर्टिकुलर सिचुएशन और इस तरह का मेरा बिहेवियर बन गया है चीजों को हैंडल करने का, सो मुझे बेटर है, आई नीड टू वर्क ऑन इट, बिकॉज डिस्ट्रेस के बाद आप लैंड अप करेंगे साइकोलॉजिकल इश्यूज और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की तरफ। सो लास्टली ये एक मैकग्रेथ ने 1970 में सजेस्ट किया था कि जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है उसको अ परफॉर्मर वुड रिस्पॉन्ड प्रोग्रेसिवली थ्रू दीज फोर, इन चार स्टेजेस के थ्रू वो परफॉर्म करता है। सो वो चार स्टेजेस कैसे, मतलब एक बिहेवियर को आने के लिए आप ऐसे ऐसे गुजरते हैं। तो फर्स्टली इज द एनवायरमेंटल डिमांड्स, एनवायरमेंटल डिमांड्स कैसे होंगी, यहाँ पे आप यू कैन पुट इट इन एन फॉर्म ऑफ एन एग्जांपल कि आपको तरह तरह की एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आने लग गई। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स डिमांड्स मतलब कि मे बी अ प्रेशर ऑफ अ कोच, अ प्रेशर ऑफ अ फैमिली मेंबर, ये तरह के एनवायरमेंटल डिमांड्स हैं यू नो। सो आप कम द प्रसेप्शन ऑफ द एनवायरमेंट, उसको आप किस तरह से प्रसीव करते, उसको कैसा आपका प्रसेप्शन, वेदर इट कम्स इन अ यूस्ट्रेस और इन अ डिस्ट्रेस यू नो, उसको कैसे प्रसीव करते उस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल डिमांड को, उस एनवायरमेंटल डिमांड को देन यू take it to the stress response, मतलब कि अगर आपके stress के responses मतलब का मतलब यहाँ पे physical और psychological जो मैंने अभी बताया था, distress situation में वो उस तरह के होंगे कि अगर मान लो distress situation है तो आपका दिल का धड़कने बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा, आपको ध्यान नहीं लगेगा किसी चीजों में, यू आपको बहुत ज्यादा you'll feel you know what I call it, हाँ ये आपको जब बहुत ज्यादा स्वेटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपका कंसंट्रेशन बिगड़ने लगेगा, आपको हमेशा लगेगा कि आप कोप अप ही नहीं कर सकते, आप बेहतर ही नहीं कर सकते, और आपको डर भी लगेगा, फियर से। सो देन जब ये सिचुएशन अगर आपका एक डिस्ट्रेस सिचुएशन में है उसके बाद देन यू विल स्टार्ट शोइंग बिहेवियर कि डिस्ट्रेस हो गया, अब अभी तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है, या फिर ऑन फील्ड आपको बहुत ज्यादा इमोशनली आपने एंगर का को महसूस करा, एंड देन यू विल स्टार्ट डूइंग इट, व्हाट यू विल स्टार्ट डूइंग इट, यू विल स्टार्ट शोइंग दैट एक्चुअल बिहेवियर कि आप हर्ट करना लग जाएंगे, चीजों को हर्ट करना लग जाएंगे, कोच को हर्ट करना लग जाएंगे, मे बी यू कैन कम टू द अब्यूज लैंग्वेजेस, और इस तरह का प्रयोग स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट is all about you know emotions, और इसके related अगर कुछ पूछना है या कुछ बात करनी है तो then you can ask me। I think यही तक कराया था सर ने, anxiety तक करवाया था मैं, anxiety okay हाँ anxiety को I think उसके साथ ही start करेंगे when the sir will start। So quickly अगर आपको कुछ लगता है you want to ask or something, you can ask. Hello, am I audible? Yes, ma'am. क्योंकि आप लोग मुझे दिख नहीं रहे ना, अभी तक दिख रहे थे, अभी दिख नहीं रहे बिकॉज माई स्लाइड इज ओपन, सो आई कांट सी यू ऑल, सो इसलिए मुझे कुछ पूछना है तो प्लीज डू आस्क इन रिलेशन टू इमोशन, बिकॉज हमारा भी आइडिया वैसा ही होता है और हम भी वैसा ही समझ से आए होते हैं कि इफ रिलेटेड टू इमोशंस यू हैव क्वेश्चंस प्लीज आस्क।
anything you need to ask about emotions? I think the last who talk about, please, I just want to talk to you. Is it clear to you? Jo chahte the explain kare hum about the... Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very helpful. Okay. Okay. Anything you want, need to ask, go for it. I don't have a problem. Anyone? I think किसी ने लिखा भी था, please explain in English also, ma'am. So anything you need to ask me, or because at that time maybe my flow of Hindi was too high. So any question you want me, I can explain you there in English right now. This 432HK something asked said, you know, okay, ma'am, please explain in English. Madam. Yes. Anything you want to ask, you can ask. No, madam, I understood. Okay, great, perfect. Thank you. Ma'am. Rajkumari wants to ask something. Please, Rajkumari. Ma'am, stress or anxiety, ma'am, kya difference hai, ma'am? Dono ek jaise. ओके एक्चुअली क्या हमने इन शब्दों को बहुत ही जैसे आज आपने समझा होगा कि यू नो स्ट्रेस नहीं यूज करना है वी नीड टू यूज डिस्ट्रेस यू नो स्ट्रेस डिस्ट्रेस इज अ नेगेटिव यू नो नेगेटिव थिंग देखिए जब बहुत एंग्जाइटी इज इन डिसऑर्डर ठीक है और जब हम खेल के बारे में बात करते हैं एंग्जाइटी इज समथिंग विच इज वेरी यू कैन से यू नो देयर इट्स आई कांट से इम्पॉर्टेंट बट इसका जरूरत है टू परफॉर्म बट हम इसको शब्दों का जो खेल है वो हम गलत तरह का प्रयोग करते हैं सो जब आप सिंपल समझ लीजिए कि जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस बहुत ही लेवल पे हाई चला जाता है तो उसकी वजह से जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस अब बहुत ज्यादा आ जाते हैं आपके शरीर में यू नो दैट यू कुड नॉट एबल टू हैंडल तो वो एंग्जाइटी लेकर आता है जैसे कि आई विल गिव एन एग्जाम्पल एक एथलीट बार बार ये कंप्लेन कर रहा है कि जब भी मुझको मैम अपना खेल का मतलब जूडो का प्लेयर है वो आ रहा है कि जैसे मुझे बाउट के लिए जाना होता है मैम अंदर अपने सर्कल में सो मुझे बार उससे एक मिनट पहले मुझे बहुत ज्यादा यूरिन पास करने का फील आता है मुझे चोक फील होता है मुझे बहुत स्वेटिंग फील होता है और मुझे बार बार ऐसा लगता है कि मेरे आंखों के सामने ना अंधेरा छा जाएगा सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स मीन्स दैट द पर्टिकुलर पर्सन इज फेसिंग द एंग्जाइटी अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस आमतौर पे हम सभी महसूस कर रहे हैं यू नो बट नेगेटिव डिस्ट्रेस वो है कि जब हम सिमिलर टू एंग्जाइटी होते हैं यू नो रिस्पॉन्सेज बट वो उनकी तादाद मैनेजेबल होती है इन द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस बट इट्स नॉट मैनेजेबल इन द फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी राइट राजकुमारी यस मैम परफेक्ट मैम A stressed person can have some eating disorders. Yes. Definitely. You can, I can't say the words exactly stress, but if we talk about the eating disorders, there is a symptom called when you are too much stress, you leads to eating disorder. So there is a symptom of, you know, stress for eating disorders, correct? Yes, ma'am. So I have an athlete who eats so much. So we've got to know after doing lots of tests, lots of assessment, you know, the food activity बहुत ज़्यादा भी चला जाता है और कम भी चला जाता है. So we need to understand stress. इसलिए बोल रहा हूँ इसका technicalities अगर मुझे I need to tell you that is all. If we talk about depression, in depression the weight loss is there. So weight loss में मतलब आपको खाने को मन नहीं है यू हैव एनाडोमिया मतलब यू डोंट हैव एनी इंटरेस्ट सो इस तरह से इट अफेक्ट्स यस डेफिनेटली इट अफेक्ट्स थैंक यू मैम राइट ओके परफेक्ट मैम आई वांट टू नो व्हाट द थ्योरीज ऑफ इमोशंस आर देयर आर थ्री टू थ्री थ्योरीज ना मैम टू फैक्टर थ्योरीज एंड स्केलेट थ्योरीज और कैन नॉट अच्छा शुड आई नीड टू रिपीट दैट थ्योरी व्हाट Man, just give a brief about the theory. Okay. I'll just जल्दी बता देती हूँ ना. Gensling, Cannon और Singer की 1962 की तीन है, ठीक है. So जो most probably जो Gensling की है, वो ये बोलता है, we have physiological changes, then we have emotional express, ठीक है. पहले स्वेटिंग होगा कोई भी
और या हार्ट बीट बढ़ेगा तब हम अपने इमोशन को व्यक्त करते हैं, राइट? राइट ओके. द सेकेंड इज द कैनन का कि आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्लस के इमोशंस जो है वो साथ साथ होते हैं. उनका मतलब आप रिएक्शन भी दोगे और आपको घबरा मतलब आई विल से हार्ट बीट और स्वेटिंग जो है वो साथ के साथ होगी. आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी प्लस आप इमोशंस भी एक साथ व्यक्त कर रहे हो, साथो साथ हो रहा है, राइट? देन द लास्ट वन सेज विच वी फॉलो इट कि क्या होता है फिजियोलॉजिकल. पहले आपको यू फील बॉडी चेंजेस, बॉडी में चेंजेस आते हैं. बॉडी में चेंजेस आने के बाद दैट मैसेज गोज टू योर माइंड. वहां से वो दैट मैसेज गोज टू योर माइंड, देन वी आर एबल टू एक्सप्रेस आर इमोशन. उसके बाद हम कोई भी इमोशन जो होते हैं उसको व्यक्त करते हैं. यस मैम. दीपक थैंक यू सो मच. थैंक यू. ग्रेट ग्रेट दीपक ग्रेट. और बोलिए मैडम. कैन यू एक्सप्लेन वंस अगेन इंटर इंडिपेंडेंस ऑफ कॉग्निशन इमोशन. उच्च मानसिक मानसिक क्षमताएं, यू नो योर हाई यू नो क्षमताएं जो बहुत ज्यादा, ठीक है? सो एट द सेम टाइम इमोशंस आर समथिंग यू नो विच यू फील. इन सिंपल इफ आई हैव टू गिव यू एन एग्जांपल, इमोशन, राइट? And the remembering of that song is a cognition. 4-2-3 Okay, okay, ma'am. Example समझ आया? हाँ मैडम. ठीक है. So ये बता दिया और बेस्ट एग्जाम्पल बता दिया वेर यू कैन रिलेट योर कॉग्निशन एंड इमोशन. ओके मैम. इज देयर एनी टूल और एनी क्वेश्चन और मेथड टू चेक द इमोशनल स्टेबिलिटी और to check the emotional standard of a particular player? I've been not doing much work on emotions, but yes, I have worked within an emotional intelligence and emotional competence. Yes, there is a questionnaire for emotional competence, EPQ 25. Okay. You know, if I'm not wrong, it's EPQ 25. EPQ. Which we use for the athletes, and I have done a research on it, you know. So it gives a nice result, you know. So you can use it in this way, or emotions and moods are also, you know, somehow we can relate. So Brahms ka bhi hai ek. So aap mood pe usko bhi use kar sakte ho to know and understand the emotions better. Okay, okay. Thank you, ma'am. Right, perfect. But I mean, cognition and emotion. Sometimes I'm saying cognition plays a central role. Right. For that thing, how we can example, madam? How we can central? I think where it's coming. It was there in the psychophysiological, right? Right. Hello. Madam, voice breaking. Once again, you can repeat, madam. So. जब हम साइकोफिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में बात करते हैं ना. हेलो. हाँ मैडम कंटिन्यू. देयर दिस कॉन्सेप्ट कम्स, यू नो, द कॉग्निशन प्लेज अ सेंट्रल रोल. यू नो यादें, यू नो, जब आपको मैंने एग्जांपल दिया कि आप सैड दुखी होते हैं और दुखी में दुख का ही आप यू नो याद आती है, एंड देन सुख सॉन्ग भी दुख वाला ही याद आपको आ रहा है. तो जब आपको दुख वाला जो सेंट्रल पार्ट ऑब्वियसली विल बी द कॉग्निशन, बिकॉज जब आपने दुख में तो आप सिचुएशन में हो, बट आप याद किसको कर रहे हो, वेयर व्हाट यू रिमेम्बरिंग, यू नो, याद क्या करो. तो याद इज अ सेंट्रल, नो. ओके. देन यू आर एक्सप्रेसिंग इट इन द फॉर्म ऑफ इन अ फॉर्म ऑफ सॉन्ग. जब आप उसको दुख वाली सिचुएशन हुआ, दुख वाली सिचुएशन याद आई और एक्सप्रेस कैसे किया, गाने के थ्रू.
okay thank you. You know, so then the part of that this is the cognition will be the central part. Okay, right. Thank you, madam. Okay, anything, any needs to talk, ma'am? Can you share your experience with the swimming team, ma'am? Like, okay. You are already into that. Yes. If yes, definitely, you know, emotions, experience, you know, of what I experience the most is, you know, the emotions. And I can say, you know, we need to get these people trained, the athletes, the swimmers, or if I talk about the gymnast or cyclists or the boxers on the field, you know, we need to regulate it, our athletes so much so they'll understand. Because what I found most of the, if I'll take one emotion, anger. बिकॉज मैं एंगर पे बहुत काम करती हूँ एंड मेरे बहुत सारे आर्टिकल्स भी हैं एंगर पे. तो जब मैंने एंगर पे आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, तो इफ यू टॉक अबाउट स्विमिंग, सो व्हाट आई फाउंड इन स्विमिंग इज देयर लॉट्स ऑफ एथलीट्स व्हेन दे परफॉर्म गुड, सो दे ईदर दे एक्सप्रेस देयर इमोशन इज सो वाइल्डली दैट मेनी टाइम्स अफेक्ट्स नॉट देयर बट अफेक्ट्स देयर फ्यूचर परफॉर्मेंस, राइट. And many times they express it in a so bad way that that is not only affecting them but affecting others also. So if you talk about after an event, an athlete comes back to the family and she started scolding her family or unko gali galoch or something is tarah ka abuse ya kai bar hit kar lena ya fir apne swimming costume ko hi phad dena. I've seen the worst experience in one of my swimmer is that after the failure, she could not able to handle her emotion and she quickly take a scissor and just cut her swimsuit in so bad condition. And if you are a swimming coach or you've been into swimming, then you understand that the swimming costume is so damn costly that a normal person can't even think about of buying it again, right? So we need to make them aware, understand and train their emotions. Am I right? Yeah, ma'am. True, ma'am. Thank you, ma'am. Right? So this is what I got experience, you know, while working with these swimmers. Ma'am, I have just a query, normal query. I want to know what is the difference in dealing with the team games and individual players, like individual events, athletics, swimming or other events where the individual persons have to deal with the psychologist. But in team games like football or there are other games where the more involvement is because of coach, more participation is more of coach instead of a psychologist. So what exactly the difference in that? How to deal? Deepak, what you want to exactly want to know? You want to know the role of a psychologist in the team game or the individual game? Yes, role. You only want to role or you want me to... Impact is more... I want to know that impact. Okay. You only want to impact. See, you know, it definitely impact both, because if you talk about the team game, there is also an individual person, you know. Also work in a team game, but we also work individually, because every individual has their own mental health. They have their own mental health expert, mental health issues. So separately, we've been working these team game people individually also. But talking about individual sports, many times it's an easy task for us, because in a team game, we need to work on 12 people, 11 people on one target many times. But in an individual, we've been working on one target. So working with team games, if I have worked with hockey team, so what I was could able to understand it, firstly, we work with individually, but when we started working on a group and telling and, highlighting the problems and the issues of each individual in a group, it's a little bit a more challenging work
rather than working in individually, because you know, there the coach is there, the physiotherapist is there, and our athlete is there. So three people if for one work. But here we have to work individually also, with the team also, and then with the other post staff also. So this is what I'll not say a difference, but this is what we've been doing it. And definitely working with the team can is many times it's challenging, and many times if the team is very much cooperative, then it's most of the easiest to work to do work. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. मैम दूसरा क्लास के लिए अभी हम लीव कर सकते हैं? Okay. Thank you so much. Thank you, ma'am. You can-